नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय माननीय सांसद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा 2014 से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के कार्यक्रम की क्या स्थिति है और प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है। इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया। उन्होंने बताया कि 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार देश में कुल मिलाकर 195 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की गई है, जिसमें 85.47 गीगावाट सौर विद्युत, 46.66 गीगावाट पवन विद्युत, 10.95 गीगावाट जैव विद्युत और 51.93 गीगावाट जल विद्युत शामिल है। भारत सरकार ने वर्ष 2014 से अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 31 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार कुल 1.29 करोड़ आवासीय उपभोक्ताओं ने योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से रूफटॉप सौर स्थापना के लिए अपनी रुचि दिखाई है, जिनमें से 15.65 लाख उपभोक्ताओं ने आवेदन जमा करा दिया है और 2.49 लाख स्थापनाएं पूरी हो चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 से अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रमुख उपाय, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने में भी सहायता करेंगे, में अन्य के साथ साथ शामिल हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना, अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास आदि जैसी प्रमुख योजनाओं पहल की शुरुआत की गई है। ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन और पवन सौर परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ URET के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और ग्रिड कनेक्टेड सौर इन्वर्टर्स के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और मानक और लेबलिंग कार्यक्रम जारी किए गए हैं। तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रेजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक के लिए ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है। हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी की गई। एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट वर्ष की RE विद्युत बोलियों के लिए ट्रांजेक्ट्री की अधिसूचना, 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं में सौर और पवन विद्युत की इंटर स्टेट बिक्री के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली शुल्कों में छूट। आरी खपत को बढ़ावा देने के लिए अक्षय खरीद दायित्व ट्रांजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है, जिसमें विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा के लिए अलग RPO शामिल है। ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी की गई।
अगला सवाल अल्पसंख्यकों का कल्याण और वित्तीय सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने। उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से पूछा, विगत 10 वर्षों के दौरान देश के अल्पसंख्यकों के कल्याण और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है? क्या विशिष्ट कदमों के पर्याप्त सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, और यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से केंद्रीय रूप से अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं कार्यक्रम इस प्रकार हैं। शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं, पिछले 5 वर्षों के दौरान मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की हैं, जिनके नाम हैं मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति। वर्ष 2022-23 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवरेज भी केवल कक्षा 9 और कक्षा 10 तक ही सीमित कर दिया गया है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना कक्षा 11 से PhD तक को कवर करता है। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, जो केवल कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए थी, को 2022-23 से मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर योजना के साथ शामिल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जो मंत्रालय की पूर्ववर्ती 5 योजनाएं नामतः सीखो और कमाओ, नई मंजिल, उस्ताद, नई रोशनी और हमारी धरोहर को 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एकीकृत करता है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं, कौशल और प्रशिक्षण घटक, महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक, शिक्षा सहायता घटक, स्कूल ड्रॉपआउट के लिए। इसके अलावा इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों के लिए ऋण और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, विरासत योजना और सूक्ष्म वित्त योजना के तहत स्वरोजगार आय सृजन गतिविधियों के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों को रियायती ऋण प्रदान करता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान यानी वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने 14.11 लाख से अधिक लाभार्थियों को रियायती ऋण के रूप में 6,182 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। 6,182 करोड़ रुपए का यह रियायती ऋण संवितरण 1994 में अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा किए गए कुल संवितरण 8,982 करोड़ रुपए का लगभग 69% है। बात अवसंरचना विकास योजना की करें तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इसमें शामिल है। इसके तहत देश की अल्पसंख्यक आबादी के कल्याण और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश में अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना परियोजनाएं विकसित करना है। योजना के अंतर्गत शामिल प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल और आपूर्ति, स्वच्छता, खेल आदि। योजना के अंतर्गत शामिल अवसंरचना में स्कूल भवन, लड़कों और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, स्टेडियम, सामुदायिक सेवा केंद्र, शौचालय ब्लॉक, ITI संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, कौशल केंद्र आदि शामिल हैं, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, महिला केंद्रित सुविधाओं आदि में सुधार किया जा सके। आज तक इस योजना के अंतर्गत स्कूल भवनों, छात्रावासों, कौशल केंद्रों, कॉलेज भवनों, आवासीय स्कूल भवनों, अस्पतालों, स्टेडियमों, महिला केंद्रित सुविधाओं आदि के निर्माण हेतु लगभग 11 लाख इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिनमें लगभग 5 लाख गैर बुनियादी ढांचा इकाइयां शामिल हैं, जिसकी राशि 25,027 करोड़ रुपए है। सभी योजनाओं ने उच्च स्तरीय कौशल प्राप्ति, आजीविका के बेहतर अवसर,
उच्च रोजगार क्षमता, बेहतर बुनियादी ढांचे तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान दिया है। अगला सवाल जुड़ा है असामान्य रूप से भारी वर्षा से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने। उन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान असामान्य भारी वर्षा पर कोई अध्ययन कराने का विचार किया है या विचार कर रही है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। देश में पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारी वर्षा के कारण हुई मृत्यु का ब्यौरा क्या है और क्या देश में वर्तमान और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया या किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान असामान्य भारी वर्षा पर कोई अध्ययन कराने का विचार किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारी वर्षा की घटनाओं को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। भारी वर्षा 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर, बहुत भारी वर्षा 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर, अत्यधिक भारी वर्षा 204.5 मिलीमीटर या उससे अधिक। भारत मौसम विज्ञान विभाग देश भर में प्रेक्षित की गई भारी वर्षा की सभी घटनाओं और उनके कारणों का नियमित रूप से विश्लेषण करता है और उन्हें साप्ताहिक, मासिक एवं मानसून ऋतु समाप्त होने की रिपोर्ट imdpune.gov.in/reports.php के रूप में प्रकाशित करता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वार्षिक जलवायु सार imdpune.gov.in/cmpg/product/acs.html में सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश तैयार किया जाता है। साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने देश में वर्षा के बदलते पैटर्न तथा विभिन्न स्थानिक पैमानों, राज्यों एवं जिलों पर पिछले 30 वर्षों की अति विषमताओं का विश्लेषण किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जनवरी 2020 में प्रेक्षित वर्षा भिन्नता एवं परिवर्तनों के बारे में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की कुल 29 रिपोर्ट्स प्रकाशित की है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि जी हाँ, मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत देश भर में मौसम, जलवायु एवं समुद्री पूर्वानुमान कौशल में सुधार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें से कुछ कार्यों में शामिल हैं 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन के लीड समय में लघु अवधि वर्षा पूर्वानुमान में सुधार और अभिनति में कमी, तापमान एवं पूर्वानुमान के लिए उच्च विभेदन 300 मीटर, नगरीय ग्रिडेड मौसम डेटा सेट विकसित किया जाना, वर्ष 1992 से 2023 तक से 30 मीटर के स्थानिक विभेदन के साथ टाइम वेरिंग नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस अर्बनाइजेशन इंडेक्स विकसित किया जाना, सत्यापन प्रायोजनों के लिए बहुत उच्च विभेदन वर्षा डेटा सेट्स विकसित किया जाना। अगला सवाल जुड़ा है राशन की दुकानों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि देश भर में गरीबों के लिए खाद्यान्नों के वितरण करने वाली राशन की दुकानों या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या कितनी है। देश भर में इन दुकानों को चलाने वाले कर्मचारियों या दुकान प्रबंधनों की संख्या कितनी है और उन सत्यापन विधियों का ब्यौरा क्या है जिनका उपयोग खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई भामड़िया ने दिया। उन्होंने बताया कि देश में 5.43 लाख उचित दर दुकानें खाद्यान्नों के वितरण में शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रीय और राज्य संघ राज्य सरकारों की संयुक्त जवाबदेही के अंतर्गत प्रचालित की जाती है। उचित दर दुकानों के प्रचालन और प्रबंधन की जवाबदेही संबंधित राज्य संघ राज्य सरकारों के पास है। लाभार्थियों का सत्यापन फिंगरप्रिंट एवं आईरिस स्कैनर OTP
अन्य सत्यापन पद्धतियों के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण से किया जा रहा है। अगला सवाल जुड़ा है समरूप आधार पर राजकोषीय समर्थन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुरेश कुमार शेटकर ने। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के विकास के लिए योजना के अंतर्गत चिप निर्माण इकाइयों के लिए सभी प्रौद्योगिकी प्रारूपों के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत का 50% राजकोषीय समर्थन अनुमोदित किया है, और अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया कि देश में सेमीकंडक्टरों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित 4 योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में सिलिकॉन CMOS आधारित सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर्स फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर ATMP OSAT सुविधाओं की स्थापना के लिए समरूप आधार पर पूंजीगत व्यय के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, डिजाइन अवसंरचना समर्थन के अलावा ये योजना प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा के अध्ययधीन पात्र व्यय के 50% तक उत्पाद डिजाइन संबंध प्रोत्साहन और 5 वर्षों की अवधि में निवल बिक्री कारोबार के 6% से 4% के परिनियोजन संबंध प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए प्रति आवेदन है। सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला मोहाली के ब्राउनफील्ड फैब के रूप में आधुनिकीकरण का भी अनुमोदन किया है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 1,48,476 करोड़ रुपए के संचयी निवेश के साथ 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण और घटक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर केंद्रित निम्नलिखित कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था और ये 31 मार्च 2024 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। ये योजना इलेक्ट्रॉनिक संगठकों, ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण, यांत्रिकी, माइक्रो नैनो इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सौर प्रकाश वोल्टीय पॉलीसिलिकॉन SPV वेफर्स और सौर सेलों, विशेष उप असेंबली और उपयुक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। 30 जून 2024 तक स्पेक्स योजना के तहत 8,803 करोड़ रुपए का वृद्धिशील निवेश किया गया था। इससे 30 जून 2024 तक 18,083 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई थी।
ये योजना 5 साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित और लक्ष्य खंडों जैसे मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के तहत शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 3% से 6% तक प्रोत्साहन देती है। 30 जून 2024 तक PLI योजना के तहत 8,390 करोड़ रुपए का वृद्धिशील निवेश किया गया था। इससे 30 जून 2024 तक 5,14,960 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। लोकसभा के बाद अब बात कर लेते हैं राज्यसभा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब सवाल राज्यसभा से, ये सवाल जुड़ा है दूध और शहद उत्पादक सहकारी समितियों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन ने। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार द्वारा दूध और शहद उत्पादक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना चलाई जा रही है। अगर हाँ तो दूध और शहद का उत्पादन करने वाली सहकारी समितियों को सरकार द्वारा क्या लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में इन सहकारी समितियों द्वारा दूध और शहद के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस सवाल का जवाब सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार डेयरी और शहद उत्पादक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, इस निधि का उद्देश्य मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए नए प्रसंस्करण संयंत्रों और विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना है और ये सुनिश्चित करना है कि डेयरी सहकारी समितियां लाभ के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धी बनी रहें। इस योजना का कार्यान्वयन अंतिम उधारकर्ता के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी डेयरी निगम के द्वारा किया जा रहा है। ये योजना उत्पादक संगठनों को कार्यशील पूंजी पर 2% वार्षिक दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। ऋण चुकौती ब्याज सर्विसिंग अवधि के अंत में शीघ्र डेयरी क्रियाकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता करना कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन पर दे है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम गुणवत्ता युक्त दुग्ध परीक्षण उपकरण और प्राथमिक दुग्ध शीतन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और उसको सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी देश भर में डेयरी सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों द्वारा गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन खरीद प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को बनाना और सशक्त करना है। शहद उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन ने इन समूहों या हब में क्षमता के अनुसार 100 शहद किसान उत्पादक संगठनों की सिफारिश की। 10,000 के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 100 शहद FPOs को अनुबंध के अनुसार पंजीकृत किया गया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के निर्माण और मूल्य संवर्धन पर जोर देकर स्वीट रिवॉल्यूशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास करना है। मधुमक्खी पालन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सहकारी नेटवर्क का लाभ उठाती हैं और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी फसलोत्तर बुनियादी अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की स्थापना में सहायता करती हैं। MOAFW के अनुसार भारत ने वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 1,42,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया। इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-22 के दौरान भारत का शहद बाजार 11.6% की CAGR से बढ़ा। देश में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में पिछले 5 वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 के दौरान लगभग 6% सालाना की वृद्धि हुई है। अगला सवाल पूछा है विद्यालय में बैगलेस डे से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या NCERT की एक इकाई पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान ने विद्यालयों में बैगलेस डे के कार्यान्वयन
और छात्र के लिए विद्यालयों में पढ़ाई को अधिक आनंदमय, अनुभवात्मक और तनाव मुक्त बनाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश विकसित किए हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने विद्यालयों में बैगलेस डे की संख्या बढ़ाने के संबंध में विभिन्न वर्गों से कोई सुझाव मांगे हैं? और अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? क्या PSSC IVI ने अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करके उन्हें अंतिम रूप दे दिया है? और अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? और पूरे वर्ष विद्यालयों में छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई है कि सभी छात्र कक्षा 6 से 8 के दौरान 10 दिवसीय बैग रहित अवधि में भाग लेंगे, जहां वो स्थानीय विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ इंटर्नशिप करेंगे। इस सिफारिश के अनुसार सरकार ने संबंधित हितधारकों के परामर्श से 10 बैग रहित दिवसों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 के बच्चों को अनुभवात्मक अधिगम पद्धति का उपयोग करके कौशल शिक्षा प्रदान करना और स्कूलों में अधिगम को आनंदमय और तनाव मुक्त बनाना है। इन दिशा निर्देशों के तहत कला प्रश्नोत्तरी, खेल और कौशल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के स्थानों, स्मारकों के दौरे के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए आवधिक एक्सपोजर, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मुलाकात और स्थानीय कौशल आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित एवं राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा निर्णित उनके गांव, तहसील, जिला, राज्य में अन्य संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करने सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए संपूर्ण वर्ष के दौरान बैग रहित दिवसों को प्रोत्साहित किया जाता है। ये दिशा निर्देश परिवर्तनशील हैं और संबंधित हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया और अन्य घटनाक्रमों के आधार पर समय समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। छात्रों के लिए 10 बैग रहित दिवस संबंधित दिशा निर्देश दिनांक 29 जुलाई 2024 को NEP 2020 की चौथे वर्षगांठ के अवसर पर जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और कौशल शिक्षा को मुख्य धारा में लाने की सिफारिश की गई है। केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के कौशल शिक्षा घटक के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 9 और 10 में छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में व्यवसाय परक मॉड्यूल प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 10 से 12 में व्यवसाय परक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में प्रदान किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व व्यवसायिक शिक्षा का अवसर, इंटर्नशिप, 10 बैग रहित दिवस आदि को समग्र शिक्षा के नवाचार घटक के तहत शामिल किया गया है। कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों को कौशल शिक्षा का अनुभव प्रदान करने का प्रावधान छात्रों को एक क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल के साथ स्वयं को उन्मुख करने का अवसर प्रदान करने और उच्च कक्षाओं में अपने विषयों का चयन करते समय सूचित विकल्प बनाने के लिए उन्हें तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। अब तक NSQF अनुरूप 138 जॉब रोल्स को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। GR पाठ्यक्रम में संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल सहित रोजगार कौशल मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। अगला सवाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं से है। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद जगदेश ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछा है कि क्या ये सच है कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर सड़क किनारे यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव में वृद्धि करने और पर्यटन सुविधा और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर विचार रखती है। क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश भर में राजमार्गों के डिजाइन में सड़क किनारे उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ कर रहा है? क्या NHI की इस पहल से राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिलती है? और अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है?
इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षा उपायों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निरंतर सुधार उन्नयन विकास के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव में वृद्धि करने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे के संरेखण को अंतिम रूप देने के दौरान औद्योगिक नोड्स, पर्यटन स्थलों से निकटता, संपर्कता जैसे कारकों को सदैव ध्यान में रखा जाता है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे पर्यटन स्थलों से होकर गुजरने या जितना संभव हो सके उनके समीप से गुजरें। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड के माध्यम से योजना और डिजाइन चरण से ही राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रेसवे के किनारे प्रत्येक 40 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के अंतराल पर मार्गस्थ सुविधाओं के विकास की परिकल्पना करता है। जी हां, जहां भी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास उन्नयन खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में किया जाता है, तो वहां स्थानीय लोगों को कृषि उपज और स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं, हस्तशिल्प आदि के परिवहन के लिए बाजारों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से लाभ मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण में अकुशल अर्धकुशल कार्यकलापों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। भूमि की लागत में वृद्धि से किसानों, भू स्वामियों को भी लाभ होता है। इस प्रकार ये सभी पहलू सामूहिक रूप से जीवन की गुणवत्ता में सुधार में योगदान करते हैं। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना है। प्रश्नकाल में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।